चक्रवाती तूफान वायु ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया है। पहले जहां इसके गुजरात के तटीय इलाकों से सीधे गुजरने की बात कही जा रही थी, वहीं अब मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान अब गुजरात के तटीय इलाकों में सीधा ना जाकर उसके समानांतर निकलेगा। हालांकि बावजूद इसके खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन इस चक्रवाती तूफान के खतरे से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। एनडीआरएफ की 52 टीमें किसी भी हालत में निपटने के लिए तैनात हैं। पोरबंदर से लेकर सोमनाथ और द्वारका तक समंदर उफान पर है। कई फीट ऊंची लहरें तटों से टकरा रही हैं। चक्रवात से पहले ही हवा की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के निचले इलाकों में लोगों को निकाला गया है। हालांकि वायु ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब वायु तूफान सौराष्ट्र के तटीय इलाकों से समांतर होकर निकलेगा। गिर, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका वायु तूफान से प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कच्छ में जाने की संभावनाएं कम हो गई हैं। चक्रवाती तूफान के साथ ही गुजरात में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई इलाकों में अभी से तेज बारिश हो चुकी है। वायु के बवंडर ने तबाही का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर गुजरात में तूफानी हवा बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। गुजरात में समंदर किनारे बसे 10 जिलों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें गिर सोमनाथ की हैं, जहां चक्रवाती हवाएं लोगों को डरा रही हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर के पास सन्नाटा पसरा है। इस इलाके में मौजूद एक एक व्यक्ति को सावधान रहने को कहा गया है। राजपारा बंदरगाह के पास युवक की मौत हो गई। तेज हवाओं के बीच ये समंदर में नाव लेकर गया था। तेज हवाओं की वजह से नाव डूब गई और युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन और अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। जो कच्चे मकान में रहने वाले लोग, हमने 10 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है। उनमें सभी कच्चे मकान, सभी जो कोस्टल पट्टी पर, दरियाई पट्टी पर जो गांव है, उन सबको शिफ्टिंग करने का डिसीजन लिया है। इमरजेंसी में इस हालात में प्रशासन भी अलर्ट है। रेलवे ने 6 से 10 डब्बों की स्पेशल ट्रेन तैयार कर रखी है। वायु तूफान का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ शहरों के लिए विमान सेवाओं पर ब्रेक लगा दिया गया। तूफान के अंदेशे को देखते हुए फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। सिर्फ वडोदरा में ही ऐसे 1,00,000 फूड पैकेट्स तैयार किए गए। बिस्किट और पीने के पानी की बोतल की व्यवस्था की गई। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की। गुजरात में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की 10 टुकड़ियों को भी तैनात किया गया। साथ ही 24 टुकड़ियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। हर टुकड़ी में करीब 70 जवान हैं। वायु चक्रवात का असर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में मॉनसून पर भी हो सकता है। मॉनसून के ठीक पहले साइक्लोन आने से ये नमी को खींच लेगा। इसका सीधा असर बारिश पर होगा और सामान्य मॉनसून 20 से 25 दिन लेट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।